नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जी में। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाह रही हूं। देखिए, मैं अमेजोन से एक प्रोडक्ट मंगाई हूं जो कि आशा करती हूं कि सभी के लिए मतलब सही हो। और ये कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए मैं वीडियो नहीं दिखा रही हूँ। काम को कंफर्टेबल कर दे, सबके लिए इजी कर दे, उसके लिए मैं ये मंगाई हूँ। तो सोची कि आप लोगों के सामने ही इसका एक्सपेरिमेंट करूँ। और ये किचन क्लीनर है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत इसका वीडियो मैं देखी, वायरल हो रहा था। तो सोची मैं भी मंगा कर थोड़ा एक बार ट्राई करती हूँ। तो ये क्या है, इससे जो हमें जो चूल्हा है, चिमनी है, या कहीं भी आपको लगे कि जैसे बहुत अधिक ग्रीसी हो गया है, चिपचिपा सा हो जा रहा है, मतलब जैसे ऑयली ऑयली सा हो जाता है ना खाना बनाते हैं, तो चिमनी वगैरह चट चट सा करने लगता है, और इसके अंदर जो ये जाली लगी है ये और भी अधिक चटचटा सा हो जाता है। मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ और आप लोगों के सामने कि पता नहीं सक्सेस होगा नहीं होगा, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि मतलब आशा कर रही हूँ कि कहीं हो जाए। या वायरल हुआ था तो मैं भी मंगाई कि देखो कैसा है ट्राई करने के लिए। तो देखिए, इस चिमनी को मैं खोलती हूँ। इसकी जाली को खोलती हूँ, थोड़ा सा बैठ गया है बहुत ज्यादा। सुने हैं कि मतलब देखिए, इसको कपड़ा की सहायता से खोल रही हूँ, बहुत ज्यादा ये हो गया है, मतलब बैठ गया था इसका स्क्रू। देखती हूँ क्या होता है, सक्सेस होता है, क्लीन करता है कि नहीं करता है, या टेबल फैन हो, सीलिंग फैन हो, जो भी चिपचिपा सा हो गया है। तो देखिए, ये चिमनी की जो जाली है आप लोग देख सकते हैं, क्लोजअप दिखा रही हूँ, देखते होंगे, देखिए एकदम चिपचिपा सा हो गया है। मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी, समय नहीं मिल रहा था, सोची थी कि जब भी करूँगी आप लोग साथ वीडियो जरूर शेयर करूँगी। तो देखिए कैसे चटचट सा हो गया है। तो अभी मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ, इसके ऊपर हमें स्प्रे मारनी है, ठीक है। मैं यहाँ पेपर पे बिछा के दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बनाने वाला कोई नहीं है, अकेले ही बना रही हूँ। ये सब चीजें हटा देती हूँ आसपास की, और तब मैं इसके ऊपर स्प्रे मारकर आपको दिखाती हूँ। ये क्लोजअप आपको दिखाती हूँ। तो इसके ऊपर हमें इस फोम जैसा है ये, इसको सील तोड़ दी मैं, देखिए ये सील था, इसको मैं तोड़ दी। अभी वीडियो बनाई थी तो सोची कि इसका भी वीडियो बना लूँ। देखिए, गैस चूल्हा और ये चिमनी सभी चीज़ों के लिए है। तो मैं इस पर स्प्रे करके आपको दिखाती हूँ, देख सकते हैं आप लोग। पूरा इसको हमें कवर कर देंगे। अभी देखती हूँ, 1.5 मिनट समय छोड़नी है ऐसे करके, आगे देखती हूँ कैसे हो रहा है। और इसको हम ऐसे लॉक करके रख देंगे, फिर चूल्हे की सफाई करेंगे। आप लोग इसका नाम पढ़ लीजिए, उल्टा दिख रहा है, गर्मी हो रही है दोस्तों बहुत ज्यादा। देख सकते हैं कैसे इसका झाग जो है खत्म हो रहा है अपने आप से। तो देखती हूँ कैसे क्या होता है। तो देखिए, मैं 10 मिनट का वेट कर रही हूँ। कभी कभी नई नई चीजें भी एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए हमें, तो सोची कि एक्सपेरिमेंट करती हूँ। देखिए कि बहुत इजीली काम हो जा रहा है ऐसे में, मतलब जैसे गर्म पानी करके, फिर कोई स्प्रे वगैरह यूज नहीं करती थी, गर्म पानी करके सर्फ वगैरह डाल के उसी से गर्म पानी से धोती थी तो साफ हो जाता था, क्योंकि इस बार गंदा करके जानबूझ के रखी थी कि स्प्रे से ही करूँगी। तो अभी मंगाई हूँ, देखती हूँ कितना ये सक्सेस होता है। अगर होगा तो आप लोग भी मंगा कर मतलब यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर काम इजीली किसी भी चीज़ से हो जाए तो हम महिलाओं को क्या चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि जो चीज़ मेरे लिए आसान मुझे लगता है, जिससे मेरा काम आसानी से जल्दी से हो जाता है,
वो सोचती हूँ मेरी बहनों के भी कार्य आसानी से हो जाए। तो इसलिए देखिए मैं वीडियो बना रही थी, वीडियो बनाकर और आई तो सोची कि ये भी कर लूँ, इसी समय दिखा दूँ देखिए क्या होता है। ऐसे देखिए झाग सब जो है ना अपने आप खत्म हो रहा है, मिट रहा है। किस हद तक ये सक्सेस है। तो चलिए दोस्तों 10 मिनट हो गया, पोंछ के देखती हूँ इसको क्लीन करके, क्योंकि पुराना किचन टॉवल ही है, खराब हो गया है। नया कपड़ा मत लीजिएगा आप लोग, पुराना ही लीजिएगा। और इसको मैं पोंछ के देखती हूँ क्या होता है। देखिए साफ तो हो रहा है, पास से आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए क्लीन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। थोड़ा और लग रहा है, मुझे और डालने की ज़रूरत है। वो जो प्रोडक्ट है ना ये चू रहा है इसमें से। देखिए साफ हो रहा है, एक बार पूछने पे ऐसे क्लीन हो जा रहा है। चिपचिपा जो कर रहा था ना वो भी थोड़ा कम हुआ है, और ऐसे इजीली हमें पूछ देनी है तो अच्छा ही है। प्रोडक्ट उतना ख़राब नहीं है, तो एक्सपेरिमेंट मेरा सफल हो गया। और देखिए यही है, देखिए कितना कचरा निकल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो मुझे तो मज़ा आ गया। तो आप लोग चाहे तो मंगा सकते हैं। इसका प्राइस भी मैं आपको बता दे रही हूँ, प्राइस मैं आपको बता दे रही हूँ ये कितने का है। नहीं दिख रहा है इस पे प्राइस, मुझे अभी तक दिखा नहीं। तो आप लोग सर्च कीजिएगा, आप लोगों को जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं इसको साफ कर दी, और मुझे लग रहा है कि उधर से भी हमें करना पड़ेगा। तो ऐसे साफ हो रहा है, अच्छा है, खराब नहीं है। वायरल वीडियो था, मैं सोची मैं भी एक्सपेरिमेंट करके थोड़ा देख लूँ मैं क्यों पीछे रहूँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इसको साफ करने में। और जब बाहर और बाहर से अर्बन कंपनी को बुलाओ जैसे क्लीन करने के लिए चिमनी वगैरह, तो बहुत एक्सपेंसिव है, इतना ये नहीं है, और फिर उसके लिए समय दो। तो देखिए इतना साफ़ हो गया, आप लोग सामने आप लोग देख सकते हैं। और पीछे से भी एक बार डाल देंगे तो पीछे से भी साफ़ हो जाएगा, लेकिन पूरा हमें कवर करना पड़ेगा। फोम जो भी हो, झाग निकल रहा है उससे हमें पूरा इसको साफ़ करना। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि बहुत इजीली हो गया मेरा काम, थोड़ा सा और डालने की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों इसको मैं धोकर लगा देती हूँ, अच्छा साफ हो गया है, बहुत अच्छा। और इसको मैं लगा देती हूँ, और इस पे भी जैसे यहाँ ऐसे भी आप लोग, जैसे गैस चूल्हा हो या आपका ये चिमनी हो, इसको भी आप लोग ऐसे इस पे डाल सकते हैं, ठीक है। और डालकर पोंछ दीजिएगा, ऐसे डाल के हमें साफ करनी है। तो अभी करूंगी आराम से, वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसको लगा देती हूँ, देखिए दोस्तों महिलाओं को सब कुछ सीखना चाहिए और हर काम करनी चाहिए। आप लोग सोचेंगे दीदी क्या क्या कर रही है हो गया साफ, और इसको भी पोंछ लेती हूँ। बहुत अच्छे से क्लीन हो रहा है, इसको क्लीन करके फिर साफ कपड़े से हम पोंछ देंगे। वो भी इसमें चिपचिपा जैसा था वो सब खत्म हो गया, साफ हो गया, बहुत ही साफ हो गया है। तो आप लोग ले सकते हैं, प्रोडक्ट सही है और चूल्हे पर भी, चूल्हा भी हमारा चिपचिप हो जाता है ना, तो चूल्हे पर भी हम एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।